भैया नीट एग्ज़ाम पास आता जा रहा है, डर लग रहा है, एंग्जाइटी फील हो रही है, सेल्फ डाउट आ रहा है, सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 4 महीने रह गए सिर्फ। दिस इज़ द टाइम टू प्ले इन द बेस्ट स्पिरिट यू कैन, टू बी द बेस्ट यू कैन, राइट। सो 4 महीने अच्छे से आग लगा देनी है अपनी पढ़ाई में, अपनी मोटिवेशन में। एंड बाय द वे, आग असली वाली नहीं, आप अपने सारे मॉड्यूल्स और सारे कंटेंट को आग मत लगा दीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल कार्तिक शर्मा दिस साइड। और आज की वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू द लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी विच आई स्पेसिफिकली फॉलोड, बिकॉज लास्ट का 4 महीने ऐसे थे जब मेरे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा बूस्ट आया था। लाइक इन द लास्ट 4 मंथ्स आई वेंट फ्रॉम 630-640 इन माई मॉक टेस्ट टू स्ट्रेट टू 670-660s। आई विल बी शेयरिंग विद यू सम टिप्स विच आई स्पेसिफिकली फॉलोड, सम आइडियाज विच आई इम्प्लीमेंटेड ऑन माई सेल्फ। कुछ चीज़ें आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट के 4 महीने से पहले मेरा 11th और 12th एटलीस्ट 2 बार तो रिवाइज हो गया था। सो जब मेरे पास लास्ट के 4 महीने बचे थे, द फर्स्ट थिंग आई डिड, मैंने 4 महीने का बेसिक फ्रेमवर्क बना दिया कि व्हाट आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, जस्ट अ बेसिक, कितनी बार मैं रिवाइज कर रहा हूँगा, कैसे रिवाइज कर रहा हूँगा। उसके बाद मैंने अपने आने वाले 1 महीने का एक ज़्यादा स्पेसिफिक शेड्यूल बना लिया कि ये वाले महीने में कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे कहाँ से रिवाइज कर रहा हूँ। मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे बायो कहाँ से पढ़नी है, बायो और इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगी, तो इन्हीं को बार बार अच्छे से रिवाइज करना है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लास्ट के टाइम पे स्पेसिफिकली आई कन्वर्ज माई अप्रोच, नॉट डाइवर्ज। मैंने सब चीज़ों को कंसाइज करके एक जगह किया। मेरे पास पढ़ने के लिए सिर्फ अपनी एनसीईआरटी मॉड्यूल्स एंड अपनी मिस्टेक कॉपी थी। जो भी नई चीज़ मिलती थी, आई यूज टू राइट दैट इधर इन माई एनसीईआरटी और माई मिस्टेक नोटबुक। सो आपको भी ये करना है, आपको अपने जितना भी कंटेंट है उसे कन्वर्ज करना है, उसे कंसाइज करना है, आपको फैलाना नहीं है। बिकॉज रिविजन में टाइम कम तभी लगेगा जब आपका ये सब चीज़ें कंसाइज होंगी। जब भी मैं किसी भी चैप्टर का रिविजन करता था, क्योंकि मेरी एनसीईआरटी सारी हाईलाइट मैंने पहले कर ली थी, तो जो भी कुछ नया मिलता था या फिर मैं उसे हाईलाइट अलग से कर लेता था स्केच पेन से, या फिर उसे मैं एनसीईआरटी में ही लिख लेता था। तो जब भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आई जस्ट हैव दोज हाईलाइटेड पॉइंट्स एंड ऑल दी हाईलाइटेड टेक्स्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी जिसे मुझे रिवाइज करना है। पूरा चैप्टर ए टू जेड पढ़ने की जरूरत नहीं थी मुझे, मैंने सिर्फ उनको वही इंपॉर्टेंट चीजें बार बार मैं रिवाइज कर रहा था। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने करी वॉज दैट फिगरिंग आउट ऑल माई वीक एरियाज। अपने पास्ट अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट के बेसिस पे मैंने एक पेपर पे अपने सारे जो वीक एरियाज हैं, वीक टॉपिक्स हैं, वो लिख लिए। और आने वाले 1 से 1.5 महीना मैंने अच्छे से अपने वीक एरियाज को दिए थे, वीक एरियाज प्लस वो पार्ट जिनका वेटेज ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर वाला पार्ट मेरे को थोड़ा ट्रिकी सा लगता था। सो मैंने अपने आने वाले 1 से 1.5 महीने स्पेसिफिकली अपने वीक एरियाज को दिए थे। थर्ड थिंग, क्वेश्चन दबा के प्रैक्टिस किए, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं जाना, जेई एडवांस के नहीं, जेई मेंस के भी सही है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उतनी ही मैंने क्वेश्चंस की एनालिसिस भी करी, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, क्या रॉन्ग हो रहा है, मैं क्या कर रहा था एंड एक्चुअली में है क्या वो। सो ये चीज़ आपको भी देखनी है कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं, आपकी मिस्टेक्स कहाँ आ रही हैं, और जो भी ये मिस्टेक्स आती थी चाहे वो नॉर्मल प्रैक्टिसिंग की हो या मॉक टेस्ट की हो, उनको मैं अलग से अपनी मिस्टेक कॉपी में लिख लेता था। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने मॉक टेस्ट का शेड्यूल फिक्स कर लिया था। आने वाले 2 से 3 महीने मुझे पता था मुझे हर संडे को एक मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट भी ऐसे देना है एकदम एग्जाम पैटर्न को स्टिमुलेट करते हुए, मास्क पहन के, कंप्यूटर स्क्रीन में देख के नहीं देना। इसलिए मैं जाके फटाफट प्रिंट ले आता था और 2 to 5 एग्जैक्ट सेम टाइम में एकदम शांति में अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना। जितना आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपनी एनालिसिस अच्छे से करें, मॉक टेस्ट में क्या गलत हो रहा है। 3 घंटे के मॉक टेस्ट के बाद आई ऑलवेज गिव लाइक 4 आवर्स ओनली टू द एनालिसिस। जो गलत होता था उन सब क्वेश्चन को मैं अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखता था, मिस्टेक कॉपी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। सो एनालिसिस मॉक टेस्ट की अच्छे से करनी है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे ना अपने वीक्स की, तो आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में बढ़ेंगे ही नहीं।
अगेन मेकिंग योर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इवन मोर स्ट्रॉन्गर डज नॉट मेक एनी सेंस वेन यू विल वर्क ऑन योर वीक एरियाज, तभी जाके आपके मार्क्स ग्रो करें। और लास्ट के एक महीने मैंने पूरा शेड्यूल बना लिया था कि मैं ये मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने नीट प्रेप का कोर्स ज्वाइन किया था। वहाँ पे आराम से हम अपने टेस्ट जनरेट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस वी वॉन्ट। प्रीवियस टेस्ट भी थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी थे, तो मैंने एक फ्रेमवर्क बना लिया था कि, और लास्ट के एक महीने मैंने ऑल्टरनेटिव डेज में टेस्ट दिए थे, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस दिन मैं ये वाले टेस्ट दे रहा हूँ। और लास्ट में मैंने अनअकैडमी के जो सीरीज चली थी जिसमें 5 या 4 टेस्ट थे, उनको भी मैंने अटेम्प्ट किया था। सो डिसाइड करके किया था कि इन इन दिन मैं ये मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लास्ट के टाइम पे आपको अपना मोटिवेशन, अपना कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखना है। तो मैंने क्या किया था, जितने भी नेगेटिव लोग मिलते थे, जितने भी नेगेटिव लोगों से बात होती थी, सबको टाटा बाय बाय बोल दिया था। अगर आपको भी कोई ये बोलता है कि यार आप गलत चीज़ों को कर रहे हो, आपकी प्रोग्रेस सही नहीं हो रही है, आपके मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, अरे तुम्हारा सिलेबस अब तक ख़त्म नहीं हुआ, लात मार दो, बिल्कुल नहीं सुनना। क्योंकि लास्ट में अपना मोटिवेशन एकदम हाई रखना है। इन सब फालतू बातों में उलझ के रह गए, कॉन्फिडेंस नीचे हो गया और पेपर में 2-3 सवाल रॉन्ग हो गए ना, तो यहाँ से यहाँ आ जाओगे। सो लास्ट में मैंने एकदम अपना मोटिवेशन एकदम हाई रखा था और अपने पेरेंट्स से रेगुलर बात करते रहता था। छोटी से छोटी बात होती थी मैं उन्हें बताता था और वहाँ से सब एकदम कॉम्प्लीमेंट हो जाता था, राइट। सो लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर मोटिवेशन, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो यस, दीज वर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स आई स्पेसिफिकली प्रैक्टिस ड्यूरिंग द लास्ट 4 मंथ्स ऑफ माई पेपर। होप कि आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ नया पता चला होगा, विच विल इन टर्न हेल्प यू इन योर प्रोग्रेस। कुछ ना कुछ इसमें से लेके जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, आगे जाके बहुत हेल्पफुल कंटेंट आने वाला है। सो यस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप स्टडिंग स्मार्ट। बाय बाय।